आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद नवा अध्याय श्लोक नंबर 32। अब जो यहाँ से श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं ये बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि ये जो है ये भीष्म पितामह की स्तुति है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं और उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब उनकी मृत्यु आएगी। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक मृत्यु को रोक के रखा। उन्होंने कई सारी जनरेशंस को देखा। भीष्म पितामह के सामने धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु महाराज आए, उनके बच्चे आए, और भी आगे की जनरेशंस आई सामने। अब भीष्म पितामह जो है शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों नहीं छोड़ रहे थे पहले? क्योंकि वो कुरु वंश के जो सिंहासन से बंधे हुए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पे बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। और जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता कि जो कुरु वंश है ये सेफ है और हस्तिनापुर में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है, तब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा उन्होंने जिम्मेदारी लिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको बहुत सारे कष्ट दिए। लेकिन अब जब युद्ध पूरा हो चुका है, पांडवों की विजय हो गई है, तो अब वो जो है तैयार है शरीर छोड़ने के लिए। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को लेके भगवान कृष्ण वहां पर आए, और भी पांडव और बाकी के बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे थे। तो अब जो है ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे भीष्म देव शरीर छोड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण जो है खड़े हैं सामने भीष्म पितामह के, और उनका सुंदर दर्शन करते हुए भीष्म पितामह स्तुति बोल रहे हैं। श्री भीष्म वाच इति मतेरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे विभूति ससुखम उपगते क्वचित विहर्तुम श्री भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत ही के द्वारा सृजित है। चूंकि भीष्मदेव एक राज पुरुष कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रगणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती।
अतः वे सात्वत कहलाते हैं। और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रगण्य, इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुवा नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवद गीता 10.10 भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उनके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर। वे समस्त जीवों के अग्रगणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों को समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन रहते। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं, भक्तगण उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं करती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश के कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं, और उन्हीं के लिए वे इस धरा धाम पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते। मुग्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयदाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणवन्दनार्थान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणवन्दनाय श्रीविशाखान्वितांश्च मां विश्ववादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारक नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम उपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाग्रमधुरेश्च कृपासिन्धुभ्यश्च प्रदानं पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा, तो आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास में। और बड़ा ही ये सुंदर श्लोक है जहाँ पे भीष्म देव बोल रहे हैं कि अभी तक मैं जो सोचता
जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि वे सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। इति मतेर उपकल्पिता विदुषा, कह रहे हैं कि ये जो मति है, इस मति को मुझे भगवान में लगाना है। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम लोग लगे रहते हैं, उसके कारण हमारी मति भगवान में नहीं। हम सबका ये अनुभव है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, हम सबका ये अनुभव है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे हमारा मन उधर लग जाता है। हमारी लाइफ की सिचुएशंस में अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। और ये हम अनुभव कर सकते हैं जब हम जनरली चैंटिंग करते हैं। तो चैंटिंग करते टाइम हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स लगे। एक तरफ तो हम लोग सुन रहे हैं कि जो भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामिना, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति पत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न का, भगवान ने अपने नाम में सारी की सारी शक्तियां डाल दी। और क्या सुनते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम में वही कलौ नास्तीव 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 गति लग्न। ये जो भगवान का नाम है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही है जो कलयुग के सारे दोषों का नाश कर सकता है। इसके अलावा कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं। और क्या सुनते हैं, इति षोडश का नाम ना कलि कलमश नाशनम नास्तो परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने सारे के सारे वेद शास्त्र पुराण सब देख लिए कि जो 16 शब्दों का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, के अलावा कोई और तरीका नहीं है जो कि कलयुग के दोषों का नाश। जब इस तरह का नाम का जप हम कर रहे हैं, उस समय भी हमारी मति भगवान में नहीं है। और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। कई बार कुछ अच्छा हो जाता है तो उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कई बार कुछ बुरा हो जाता है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, और केवल हम हमारा सारा का सारा समय इसमें निकल जाता है। और फिर उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा हो जाता है और जब कंप्लीट हो जाता है। जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, जब पढ़ते समय वो सारी के सारी प्रॉब्लम्स तो केवल भगवान का नाम लेने से सॉल्व हो सकती, लेकिन हमारा मन वहां नहीं लगा क्योंकि हमारी मति भगवान में नहीं लगी। और यही भीष्म देव प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरी जो मति है ये भगवान में लगे। तो इसके लिए जो है भगवान भगवद गीता में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुशाखा यनंतश्च बुद्धे अव्यवसायिनाम, बहुशाखा यनंतश्च बुद्धि अव्यवसायिनाम, बहुत सारी शाखाओं में अगर बुद्धि लगी रहेगी तो क्या होगी, वो तब वो समाधो न विद्यते, अव्यवसायी हो जाएगी और समाधि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, क्योंकि हमारी जो आसक्ति है, आसक्ति नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग आसक्ति है किसमें, भोग और ऐश्वर्य में हमारी आसक्ति, हम चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को हम जनरली मानते नहीं है कि हम चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं। इसका प्रूफ ये है कि हम लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं।
क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए हमारी जो है भोग करने की प्रवृत्ति। जब हमें वो भोग मिल जाता है तो हमें सुख फील हो रहा है, जब नहीं मिलता है दुख फील हो रहा है, और इस चीज में हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आसक्ति हो गई। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, उसने हमारी चेतना को कवर कर दिया। अब इसके कारण क्या हो रहा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते, इसलिए हमारी जो समाधि नहीं लग रही है, हमारी जो है बुद्धि भगवान में नहीं लग रही। और क्योंकि हम लोग भोग ऐश्वर्य में लग गए हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, बहुशाखा अनंतश्च, हम लोग बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो गए। उसमें से एक शाखा भक्ति हो सकती है, लेकिन हमारे बहुत सारे अलग अलग डिविजन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अब हमारा मटेरियल लाइफ अच्छा हो जाएगा तब हम भक्ति कर पाएंगे, तो हम लोग भौतिक संसार की चीजों को अच्छा करने में लग जाए, कंटिन्यूअस अच्छा हो जाए, मेरे लाइफ, मेरा नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मैं अच्छे से भक्ति कर। तो अब क्योंकि माइंड में यही चेतना लगी हुई है भौतिक संसार की चीजें सही हो जाए, इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग जब भक्ति भी कर रहे हैं, जब जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, उस समय भी हमारा मन जो है इसी तरह की बातों में लगा है। और मति जो है भगवान में नहीं लगी। देखो ये भी एक तरह का छलावा है, जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो हम लोग भक्ति करेंगे, ये भी एक तरह का छलावा है, क्योंकि हमारे मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। अभी एक तरह से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूसरा रूप ले लेगी, फिर वो कोई और रूप ले लेगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस चीज की वजह से हम परेशान थे अब हम उसकी वजह से परेशान नहीं होंगे, लेकिन अब हम दूसरी चीज की वजह से परेशान, ये होगा, लेकिन परेशान तो होंगे, कभी किसी चीज की वजह से परेशान होंगे, कभी किसी चीज की वजह से परेशान तो होंगे, बस फॉर्म बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी। जिन लोगों की वजह से परेशान हो रहे थे शायद वो लोग बदल जाएंगे, एक्सपीरियंस वही रहेंगे। तो हम लोग उस समय सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं इस व्यक्ति की वजह से परेशान हो रहा था, अब वो व्यक्ति मुझे परेशान नहीं कर, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति परेशान, मैं इस सिचुएशन की वजह से परेशान हो रहा था, अब ये सिचुएशन सॉल्व हो गई, अब हम दूसरी चीज की वजह से परेशान, दूसरे सर्कमस्टेंस की वजह से परेशान, तो परेशानी तो बनेगी, क्यों बनेगी, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने खुद ही बोल दिया, और कैसा है, अशाश्वत है, टेम्पररी नेचर, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स तो यहां बनी रहेंगी। शरीर के लिए क्या बोला है, क्लेशदा, इस शरीर को क्या बोला गया, क्लेशदा। क्लेशदा का मतलब क्या है, जैसे नारदा, नारद क्यों बोला जाता है नारद मुनि को, क्योंकि दा मतलब देने वाले, नार मतलब नारायण, नारायण को देने वाले, इसलिए उनको नारदा बोला जाता है। यशोदा, यश को देने वाली यशोदा, जैसे शरीर के लिए वर्ड यूज किया गया है क्लेशदा। क्लेशदा का मतलब क्या है, जो हमें सिर्फ क्लेश देने वाला है, दुख देने वाला है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख, तो ये शरीर भी दुख देने वाला है, सर्कमस्टेंसेस भी दुख देने वाली है, बाकी लोग भी दुख देने वाले हैं, संसार का एनवायरमेंट भी दुख देने वाला है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख देने वाले हैं, तो ऐसे में दुख देने का टेंडेंसी तो खत्म नहीं। तो
अगर हम ऐसे संसार में कोशिश करेंगे कि हमारा सुख का सिचुएशन आ जाएगा, तब मैं पूरा मन लगा के एक अटेंशन के साथ भक्ति कर पाऊंगा, पूरे उत्साह के साथ भक्ति कर पाऊंगा, तो ये सोच गलत है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं, सिर्फ दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, दूसरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, हमारा वही का वही सिचुएशन बनाते हैं। अगर आप महीने का 15,000 रुपये कर्जा देते हैं, तो या तो इस व्यक्ति को दो या उस व्यक्ति को दो, आपकी जेब से तो 15,000 रुपये महीने का कर्जा जा रहा है ना, व्यक्ति तो चेंज हुआ, तो वही के वही बने रहेंगे। लेकिन फिर प्रैक्टिकल पर्पसेस में क्या करें, प्रैक्टिकल पर्पसेस में क्या फिर हम अपने दुख को सॉल्व करने का कोशिश ना करें? तो करना चाहिए दुख को सॉल्व करने का कोशिश, लेकिन उसमें इतना भी आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपना जो मेन प्रोसेस है उसे डिफीट हो जाए। ठीक है, दुख का प्रॉब्लम आया आता है, हम सबकी लाइफ में दुख का प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसकी वजह से डेविएट नहीं हो जाता कि हम जी पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आएंगे भक्ति करने, वो चीज बनी रहे। और इसीलिए भगवान ने भक्ति के लिए क्या बोला, अहेतुकी अप्रतिहता। ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो कैसा है, अहेतुकी अप्रतिहता, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, कोई भी चीज इस प्रोसेस को रोक नहीं सकती। तो जब ऐसा सिचुएशन है कि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, और भौतिक संसार के दुखों को कोई कम नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हमें सही अप्रोच उठानी पड़ेगी, और वो सही अप्रोच क्या है कि हम अपना बुद्धि को भगवान में लगाएं और एक्सेप्ट करें कि इस संसार में दुख, कभी इस कारण से दुख है, कभी दूसरे कारण से दुख है, लेकिन दुख है। अब क्या करें, इतना दुख है इस संसार में, तो भगवान के शरण ले, और जो आप अपना सिचुएशन में बेस्ट कर सकते हैं वो करने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, अपनी सिचुएशन को बेटर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन अति प्रयास, प्रयास कीजिए लेकिन अति प्रयास मत कीजिए। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा इतना प्रयास करें कि हम लोग अब हम भक्ति नहीं कर पा रहे, तो नहीं, गलत हो, फिर गलत हो जाएगा, फिर वो भक्ति को का नाश करने वाला हो जाएगा अगर हम अति प्रयास। तो इसीलिए हमें भक्ति में पैरामीटर्स बनाने की जरूरत है, इसीलिए साधना में बार बार पैरामीटर्स बनाए जा रहे, एटलीस्ट 16 माला का जप करो। हम लोग बोल तो देते हैं कि हम अंदर ही अंदर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जप, ठीक है, पहली बात तो ये है कि अंदर ही अंदर नाम बहुत कम लोगों के चलता है, जो बहुत हाई लेवल पे होंगे उनका ही अंदर चलता है, सबका नहीं चलता। चलो अगर मान भी लिया अंदर ही अंदर चल रहा है, तो उसके साथ में भी तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना मन में, एक साथ मल्टीटास्किंग हो रही है। इसीलिए जो है हमारे पास एक बेसिक नियम है कि भैया माला पे जप करो, और मिनिमम 16 माला पे जप, 16 माला का जप, फिर बाकी नाम चाहे अंदर ही अंदर कर लो, फिर मिनिमम 16 माला का जप करो माला के ऊपर। 1 घंटा रीडिंग करो भगवत गीता भागवतम की रीडिंग करो, 1 घंटा लेक्चर सुनो, ये एटलीस्ट ये बेसिक पैरामीटर्स रखें। क्यों? क्योंकि आप जिन चीजों को मेजर कर सकते हो उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि भाई मैं 1 घंटा रीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 घंटा रोज लेक्चर सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ, मैं रोज 16 माला का जप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप इन चीजों को मेजर कर सकते, जब मेजर कर सकते हो तो इम्प्रूव भी कर सकते हो, और जैसे जैसे हमारा रीडिंग चैंटिंग हियरिंग इम्प्रूव होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारी जो चेतना है वो इम्प्रूव होने लगेगी, हमारी जो चेतना है वो इम्प्रूव होने लगेगी, राइट? तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसा कि अर्जुन ने जब भगवान से क्वेश्चन पूछा था गीता में कि मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं
वायु को कंट्रोल कर पा रहा हूँ लेकिन अपने को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भगवान ने क्या बोला, अभ्यास योगे न तत्, अभ्यास है ना, अभ्यास करने से ठीक हो, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये माइंड जो है उसका नेचर ही है डिस्टर्ब का, तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते माइंड के साथ, माइंड को जबरदस्ती कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए हमें ये जो साउंड वाइब्रेशन है इसकी शरण लेनी, क्योंकि कंट्रोल हम लोग फिजिकल फोर्स से, आर्टिफिशियल फोर्स लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग है। तो माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, लेकिन बुद्धि भी वीक है। अब बुद्धि से भी ज्यादा स्ट्रांग प्रोसेस है सोल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल प्रोसेस की हमें शरण लेनी होगी, और वो स्पिरिचुअल प्रोसेस है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और शास्त्र का ध्यान। जब ये होगा तब हम कर पाएंगे। लेकिन हमारा मन ना तो भगवान के नाम में लग रहा है, ना भगवान की कथा में लग रहा है, अब क्या करें? ठीक है, ये आंसर तो समझ में आ गया। अब इस लेवल पे तो हम आ गए कि हम लोग एक बेसिक साधना के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, रोज रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन रीडिंग हियरिंग चैंटिंग में नहीं लग रहा है, अब क्या करें? हमें क्या करना होगा, हमें जो है सेवा में जुड़ना। जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तब हमारे अंदर भगवान की कथा को सुनने की, भगवान के नाम को जप करने की रुचि होती है। जब हम सेवा में जुड़ते हैं तब हमारे अंदर भगवान के नाम को सुनने की, भगवान की कथा को सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। तब जब हम सेवा करेंगे, और इसीलिए हमें अपने अपने इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि सेवा और साधना दोनों साथ में चलना चाहिए। कई बार हम लोग जो है केवल रीडिंग चैंटिंग हियरिंग ही करते हैं लेकिन कुछ और नहीं करते, तो हमें प्रोसेस थोड़ा टाइम के बाद ड्राई लगेगा, इम्प्रैक्टिकल लगेगा, हम ढंग से करेंगे नहीं करेंगे। या जब हम सिर्फ सेवा ही सेवा कर रहे हैं, हम कुछ रीडिंग चैंटिंग हियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर सही कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगा उसको करने के लिए। तो दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। अगर सिर्फ कोई साधना कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, तो सिर्फ 50% कर रहा है। कोई सेवा ही कर रहा है लेकिन साधना नहीं कर रहा है तो 50% कर रहा है। तो दोनों को हमें साथ में करना है, इसलिए हमें इस पे फोकस करना। जब हम इस चीज पे फोकस करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध बनेगी। फिर जैसे माइंड आज डिस्टर्ब कर रहा है वैसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जितना माइंड शुद्ध होता चला जाएगा उतना हमारा भगवान का भक्ति करने में स्वतः इंटरेस्ट डेवलप होगा, उतना हमारा भगवान का भक्ति करने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और फिर क्या होगा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपायन्ते। तब भगवान हमें वो बुद्धि देंगे जिस बुद्धि के माध्यम से हम भगवान के पास आ सके, हमें भगवान वो बुद्धि देंगे जिस बुद्धि के माध्यम से हम भगवान के पास आ सके। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरे को प्रीति के साथ प्रेम पूर्वक मेरा भक्ति करने का प्रयास, तो भगवान बुद्धि देंगे। लेकिन ये बुद्धि भगवान नास्तिकों को, अधर्मियों को, जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, उनको नहीं देते। वो क्यों? क्योंकि भगवान जो है पूरी तरह से जो है वो हर तरह की आसक्ति से मुक्त है और में पूर्ण वैराग्य है। और भगवान गीता में बोलते भी है, यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृ यथा कि जो व्यक्ति देवताओं के लोक में जाना चाहता है वो वहां जा सकता है, जो पितरों के लोक में जाना चाहता है वो वहां जा सकता है, जो जो मेरे पास आना चाहता है वो मेरे पास आ सकता है। भगवान उसके हिसाब से बुद्धि देंगे और वहां पे उसका श्रद्धा लगा देंगे। कुछ लोग यहाँ पूरे श्रद्धा के साथ भौतिक संसार में लगे हुए हैं, वो श्रद्धा भी कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। क्यों देने, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा है भौतिक कार्य करने,
भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान जो है हमें भक्ति करने की इच्छा देंगे, श्रद्धा देंगे। तो ये हमारे ऊपर है क्या डिसीजन लेना, हमारे अंदर क्या इच्छा है। तो इच्छाओं को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, इच्छाओं को शुद्ध कर सकते। एक कर्मी व्यक्ति सोचेगा किस तरह से मैं अपने को सुख दे सकता हूँ, एक भक्त सोचेगा मैं किस तरह से भगवान को सुख दे सकता हूँ। तो ये फर्क है। इच्छा तो दोनों की है, एक की इच्छा अशुद्ध है, एक की इच्छा शुद्ध है। एक की इच्छा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, एक की इच्छा भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, इसीलिए फर्क आ जाता है। तो ये एक कल्चर है, और ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न होगी, जब हम सेवा इच्छा कैसे उत्पन्न होगी, जब हम सेवा करेंगे। इच्छा भगवान के प्रति इच्छा कब उत्पन्न होगी, जब हम भगवान को जानेंगे। जैसे जैसे हम भगवान को जानेंगे हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न। जैसे हमने कई बार एग्जांपल देखा शादी का, अभी एक लड़का लड़की की शादी करनी है तो दो अजनबियों को साथ में ले आओगे तो दोनों में एकदम से प्रेम नहीं हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना कमाता है, इस तरह से बातें जानते हैं तो उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री क्यों चल रही है, क्योंकि वो आपके सामने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेके आते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए अच्छी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं। क्यों, जब आप उसको देखेंगे तो हमारे आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी उस आइटम को खरीदने की, क्योंकि आपने देखा, आपने सुना, तो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, हाँ मेरे को भी चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है, इदम् भागवतम नाम पुराणम् ब्रह्म संहितम्। ये जो भागवत है डायरेक्ट भगवान कृष्ण ही है, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन होगा एक्चुअल में। नाम कृष्णामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त विनत्व नाम नामिना। ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान से अभिन्न है, डायरेक्ट कृष्ण ही है। तो ये जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान खुद आके बता रहे हैं, और इतने सारे भक्तों ने आके समझाया, तो उनसे जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर इच्छा होता है, और फिर इस इच्छा को यूज करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए। उससे हमारे अंदर भगवान का नाम जप करने की, कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होगी। जितनी रुचि उत्पन्न होगी उतनी हम सेवा करेंगे, जितनी सेवा करेंगे उतने नाम को सुनने की और शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होगी। जितना नाम सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना हमारा सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी। जितनी भगवान की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी, उससे हमारे अंदर नाम और उनका जप करने की और रीडिंग करने की रुचि उत्पन्न होगी। और ये इस तरह से करते 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 लोग जो है भगवान के धाम को चले। हरे कृष्ण।